और देख सकते हैं उनकी ईद किस तरह से गुजरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ईद बच्चों की होती है, बच्चों के उन्होंने कपड़े नहीं ले सकी, कपड़े तक वो नहीं ले सकी, तो किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरीद के में एक और फैमिली के साथ। जैसा कि आपने देखा कि पहली वीडियो में भी मैं एक फैमिली के साथ था, एक बहन थी जो बेवा थी, और इस वक्त भी मेरे साथ जो एक बहन जी बैठी हैं वो भी इस दौर के हालात से वो जंग लड़ रही हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रही हैं ये उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो तुसी, दसो ज़रा अपने हालात। भाई बहुत औखी ज़िंदगी गुजार रही, बहुत औखी ज़िंदगी गुजार रही। मियाँ तुहाडे है ने? नहीं। मियाँ तुहाडे कदों दे, मतलब नहीं है, फोत हो गए ने? हाँ जी। कदों दे फोत हो गए? 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए ने। उस तो बाद फिर तुसी अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हो? जाहिर सी गल है, बच्चे किन्ने ने तुहाडे? 2 बेटियां। 2 बेटियां ने? हाँ। बड़ी बेटी है तुहाडी? नहीं, छोटी। ये छोटी बेटी है। तो इन्हों का फिर खान पीन का निज़ाम गुजारा किस तरह चल रहा है? चलो 3 टाइम नहीं, 2 टाइम खाना तो लाजमी है, और 2 बच्चे भी छोटे छोटे ने, किस तरह फिर गुजारा कर रहे हो? भाई बस इस तरह लून मिर्च दे दी सी, ते प्याज प्यूज धुन दिता, ते उन्होंने दे दिता, तो खा लेंदियां। होर कोई कोई जरिया है आमदनी का, कोई इस तो अलावा भी एक घर जा रहे हो काम वास्ते? अच्छा। ते इस तो अलावा कोई ससुराल वालों कोई, तुसी इकल्ले रह रहे हो या कोई ससुराल वाले भी नाल रहे हैं या मायके च रह रहे हो, कित्थे रह रहे हो? नहीं, मैं अलहदा ही रहनी हूँ। अच्छा, अलहदा तुसी किराए ते? हाँ जी। किराए ते किन्ना कु किराया तुसी फिर मकान दा दिंदे हो? 10 महीने बाद कुछ उन्होंने बेच दी, कुछ बच्चों ने खवा छी। अच्छा। नाज़रीन, 2000 में से वो अपना महीने का भी खर्चा वो पूरा करते हैं, और उसमें से कुछ वो किराएदार को, मतलब जो मालिक मकान है उसको भी दे देते हैं। देखें 2000 में भी उन्होंने अपना, मतलब 2000 में से भी वो किराएदार अपना किराया भी भर रहे हैं और अपना अखराजात भी चला रहे हैं। जी बाजी, तो थोड़ी फिर किसी ने कोई हेल्प वगैरह की थी है? इस तो अलावा नहीं भाई, रोज़ के बच्चे 2-3 घर राशन दिता सी। अच्छा। उस तो अलावा नहीं किसी ने दिता, यही है कि महीने बाद कोई 100-150 दे छड़ता बच्चों ने। तो तुहाड़ी फैमिली दे तरफों, तुहाड़े भाइयों ने या ससुराल वालों कोई देवरा ने या किसी ने कोई मदद वगैरह नहीं करते? नहीं। तो ससुराल कितने ने तुहाड़े? ससुराल लाहौर ने? वो सही। तो उन्होंने मतलब तुहानू अलहदा कर दिता? ते तुसी हुण फिर किस तरह, फिर मतलब हुण कोई जिवें बेनज़ीर दी तरफों या एहसास प्रोग्राम दी तरफों जिवें पैसे वगैरह मिलते रहे ने, तुसी कोशिश कीती लैण दी? हाँ जी, अगे भी पैसे उन्होंने सिमां दित्तियां सीगियां, ते कहिंदे सी तुहानू 12,000 मिलेगा, ते कोई नहीं मिलिया, फिर दोबारा फिर उन्होंने सिमां दित्तियां, ते फिर पैसे कोई नहीं उन्होंने सानूं दित्ते। अच्छा, मतलब वो सिमां वगैरह दे गए सन, तुहाडा सर्वे वगैरह हो गया सी, लेकिन वो कुछ मिलिया नहीं, तुहानू पैसे वगैरह नहीं मिले? सही। ते उस तो इलावा फिर मतलब हुण तुसी मीडिया ते मजबूर हो के आए हो, ठीक है, मीडिया वाले हुण जिहड़े लोग तुहानू वेख रहे ने, तुहाडी दास्तान सुन रहे ने, तुहाडे हालात ते जिंदगी जिहड़ा ना उन्हां तक पहुँच रहे, तुसी हुण की उन्हां नू कहना चाहोगे अपने बारे च, कोई मदद दे हवाले नाल उन्हां नू? ते सानू कोई खर्चा देण बच्चों नू, ते बच्चों नू पालन वास्ते, कि असीं हुण बच्चों नू ते पालना ही है ना। मैं ते जदों तुहाडे मियाँ है सन उस टाइम किस तरह हालात गुजरे? भाई वो रिक्शा चलाते थे। अच्छा। तो उदू भी इन्ना हालात नहीं सही है, तो जो पैसे होंगे से वह फिर बीमार हो गए, तो असं पैसे उन्होंने लाई गए, अगू फिर साढ़े को नहीं सी खर्चा है, असं उन्होंने हॉस्पिटल लै गए, तो उत हो गए। अच्छा, तो उन्होंने की बीमारी सी? उन्होंने मैदा गल गया। अच्छा, मैदे की बीमारी से उन्होंने मैदा वगैरह उन्होंने गल गया, तो वजह तो उन्होंने जान चली गई। हाँ जी। मतलब उस तो उन्होंने मौजूदगी हालात सही सन? सही, उदों भी सही नहीं सन। ठीक है, हुण जदों गुजर गए ने, तो उन्हां तो बाद वेखो तुहाडे, तुसी दस्सिया कि लोकां दे घर तुसी जा के बर्तन वगैरह धो के ते अपना एक निज़ाम चला रहे हो, बच्चियां दी खातर हुण जाना ते पैणा ही ना जी? बिल्कुल, बच्चियां दी खातर जानी आ ते करके हुंदी आ, ते फिर बच्चियां नूं पालनी आ।
अच्छा ईद किवें गुजरी तुहाडी? देखो दो तुहाडे छोटे छोटे बच्चे भी सन ते तुसीं इहनां दे कपड़े वगैरह लए सन? नहीं भाई नहीं ले। ते लोकां ने जिहड़े हिस्से वगैरह दित्ते ने गोश्त दे, गोश्त भी तुहानूं मिलिया सी? हाँ जी दो ते तिन्नां घरां च मिलिया सी, थोड़ा थोड़ा बस। दो तिन्नां घरां च बस? नाज़रीन इनके मोहल्ले में क्या दो तीन घरों में कुर्बानी हुई होगी? जो मुस्तहिक होते हैं, हालांकि तीन हिस्से होते हैं, एक गुरबा का हिस्सा होता है और गुरबा इनको मिलना चाहिए था, लेकिन वो हिस्सा दो तीन घरों ने इनको दिया है, उसके अलावा इनको कुछ गोश्त नहीं मिला। और देख सकते हैं उनकी ईद किस तरह से गुजरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ईद बच्चों की होती है, बच्चों के उन्होंने कपड़े नहीं ले सकी, कपड़े तक वो नहीं ले सकी, तो किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रही हैं? तो ये देख सकें कि वो मजबूर होकर एक मीडिया का सहारा ले रही हैं कि उनकी मदद की जाए, उनकी जो हालात ज़िंदगी है, ताकि वो अपने बच्चों की ज़िंदगी जो है वो अच्छी कर सकें। उनकी खुदारा जितनी से जितनी आप मदद कर सकते हैं, उनको अगर कोई राशन पहुंचाना चाहते हैं तो राशन पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको इनका नंबर भी शो हो रहा है, इन पर कॉल करके, और ये बात गौर कीजिएगा कि नंबर पर कॉल सिर्फ़ आप हेल्प की सूरत में आप कीजिएगा, खुदारा इसके अलावा किसी और मकसद के लिए कॉल नहीं कीजिएगा।